खबर मधेपुरा से आ रही है, जहां एक सन की पति ने अपनी ही पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी पति 8 माह की गर्भवती पत्नी की विदाई कराकर अपने गांव लौट रहा था कि इसी दौरान बीच रास्ते में किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई और आरोपी पति ने गोली मारकर पत्नी की जान ले ली। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। घटना शंकरपुर थाना क्षेत्र के जीरवा के पास की है। मृतक महिला की पहचान सदर थाना क्षेत्र के नगर परिषद वार्ड नंबर 1 निवासी अविनाश कुमार की 30 वर्षीय पत्नी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि आरोपी पति अविनाश रविवार को पत्नी की विदाई कराने के लिए अपने ससुराल शंकरपुर पहुंचा था। मृतक महिला पिछले 4 महीने से अपने मायके में रह रही थी, लिहाजा परिवार वालों ने उसे रात में ही विदा कर दिया। आरोपी पति अपनी पत्नी और 2.5 साल की बेटी को बाइक से लेकर अपने गाँव के लिए रवाना हो गया। जानकारी के मुताबिक आरोपी पति अविनाश का किसी लड़की के साथ अवैध संबंध था, जिसको लेकर पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। इसी विवाद को लेकर महिला 4 महीने से अपने मायके में रह रही थी। शंकरपुर थाना क्षेत्र के जिरवा के पास पहुंचते ही इस बात को लेकर दोनों में कहासुनी शुरू हो गई। इसी बीच आरोपी पति ने सड़क पर पत्नी को गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। घायल महिला ने अपने पिता को फोन कर घटना की जानकारी दी और बताया कि उसका पति अविनाश ने उसे गोली मारा है, जिसके बाद महिला के पिता और भाई गांव वालों के साथ उसे खोजने निकल गए। जब तक वे घटनास्थल पर पहुंचे तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। वारदात के वक्त मौजूद 2.5 साल की बेटी को लेकर हत्यारा पिता फरार हो गया। पूरे मामले पर एसपी राजेश कुमार ने बताया कि हत्यारे पति की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस घटना के सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। में शंकरपुर थाना अंतर्गत मोरकाही से एक महिला डेजी कुमारी, जो कि अविनाश कुमार की पत्नी है, उसको लेकर के अविनाश कुमार मोटरसाइकिल से नौलखिया मधेपुरा आ रहे थे अपने घर पे। रास्ते में ही शंकरपुर थाना अंतर्गत ही वो गोली मार करके अविनाश कुमार ने अपनी पत्नी का हत्या कर दिया।
हत्या का कारण के संबंध में अभी तक जो बातें पता चला है उससे स्पष्ट हुआ कि इनकी शादी 11 वर्ष पूर्व हुई थी, 2011 में इनकी शादी हुई थी और इनके दो बच्चे भी हैं जिसमें से एक 2.5 साल की बच्ची शिवानी भी साथ में थी और वर्तमान में महिला एक गर्भवती भी थी। और अविनाश का गुप्त रूप से यह भी जानकारी मिला कि इनका किसी के साथ में अवैध संबंध की कहानी चल रही थी, इसका विरोध इनकी पत्नी करती थी। इसी बात को लेकर के अक्षरा पति पत्नी के विवाह बीच में विवाद हो जाया करता था। कल रात्रि में इसी विवाद को लेकर के उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दिया और यह हत्या एक सोची समझी साजिश के तहत की गई है क्योंकि हत्या करके उसने अपनी मोटरसाइकिल को वहीं पे छोड़ दिया और अपने दोस्तों की गाड़ी को बुला करके फिर अपने बच्ची को लेकर के वहां से वो चला गया।